आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर सांप में जहर ना भी हो तो भी उसे फुफकारते रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसे मार देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ अक्सर काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, दूसरों की मदद करो। बहुत बन लिए अच्छे, अब वक्त आ चुका है बुरा बनने का। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि हम बुरा क्यों बने और अच्छा होने में बुराई क्या है? देखो, मेरे कहने का मतलब साफ है कि भले ही आप अच्छे बनो लेकिन सीधे नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीधे बनने में क्या बुराई है और किस तरह सीधे लोग सीधे बनकर अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीते हैं, और आपको किस तरह किस वे में बुरा बनना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर वन, अच्छे लोग चाहे कुछ भी हो जाए लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप किसी होटल में गए और होटल वालों ने आपको कैसा भी तला गला जला खाना कुछ तो भी दे दिया, तो आप उसे चुपचाप खा लोगे। आप सोचोगे हाँ हो जाती है, गलती होता रहता है। आप उन्हें जाकर ये तक नहीं कहोगे कि आपने ऐसा खाना क्यों दिया, ये गलती क्यों हुई। अगर कहीं पर किसी ने मजाक में आपको कुछ बोल दिया तो आप सह लोगे। आप सोचोगे कि यार क्यों ही लड़ाई करना, बोलने दो ना जो बोलते हैं। आप हर बार सहते रहोगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो अच्छे मत बनो बल्कि बुरे बनकर अपने हक के लिए लड़ो। नंबर टू, अच्छे या फिर सीधे लोग हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होते हैं और हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। देखो, जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं ना, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि लोहे और सोने की वैल्यू में बस इसलिए डिफरेंस है कि लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है इसलिए उसकी वैल्यू इतनी कम है, और सोना बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब आप अवेलेबल नहीं रहोगे ना तो लोग हो सकता है कि आपको बुरा माने। जब आप लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे तो हो सकता है कि लोग आपको फालतू भी समझें, और जब आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो हो सकता है लोग आपको मतलब ही समझें, आपको बुरा मानेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी वैल्यू कम हुई ना। बल्कि जब आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो हो सकता है कि सामने वाला ये सोचे कि यार ये बंदा वाकई में अपने करियर को लेकर सीरियस है, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसने अपना एक स्टैंडर्ड बना करके रखा है। ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो वैल्यू कम होनी ही होनी है। तो खुद का एक स्टैंडर्ड डिसाइड करो और हमेशा अवेलेबल मत रहो। दूसरों की हेल्प करो लेकिन खुद को भी प्रायोरिटी दो। मेरे ट्यूशन टीचर और मेरे वन ऑफ दी फेवरेट, वो एक बात कहते थे कि भगवान भला सबका कर पर प्रारंभ मुझसे कर। इंग्लिश में एक बहुत ही कमाल का कोट है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको ये पता चलता है कि आपके दो हाथ हैं, एक हाथ खुद की मदद करने के लिए और दूसरा हाथ दूसरों की मदद करने के लिए। नंबर थ्री, सीधे लोग दूसरों की हर बात में हाँ हाँ करते हैं, हर बात पर एग्री कर जाते हैं भले ही उनको सही नहीं लग रहा हो, क्योंकि वो ना बोलना नहीं जानते। हर बात में वो सहमत हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगर वो कुछ अलग बोलेंगे कुछ ना बोलेंगे तो लोग उन्हें स्टूपिड समझेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनकी इमेज बन जाती है उस तोते की जैसी जो एक ही बात को रिपीट करता जाता है। देखो, ना बोलना सीखो। अगर आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है तो आप उन्हें बोलो। अगर आप किसी बात से एग्री नहीं हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो एक लीडर की तरह। और याद रखना, लोग ऐसे ही लोगों को वैल्यू देते हैं। सीधे लोग सोचते हैं कि अगर वो दूसरों का अच्छा करेंगे तो दूसरे लोग भी उनका अच्छा करेंगे, और ऐसा करने से उनकी एक ऐसी इमेज बन जाती है जैसे कि दरवाजे पर रखा हुआ पैरदान जिस पर सब लोग अपने पैर पोंछ करके चले जाते हैं। देखो, ऐसा नहीं होता। लोगों की हेल्प करो लेकिन बदले में आप ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि बदले में लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। नंबर फाइव, अच्छे लोग अपनी कमजोरी को दूसरों को बता देते हैं। भूल कर भी अपनी कमजोरी किसी को भी मत बताना, क्योंकि शायद ही आपके विनाश का कारण बन सकती है। सामने वाला अगर खुद आपके अंदर देख ले तो अलग बात है, लेकिन आगे रहकर कभी भी उन लोगों को अपनी कमजोरी मत बताना जो आपकी कमजोरी को ताकत में नहीं बदल सकते। अपनी कमजोरी सिर्फ उन्हीं लोगों को बताओ जो एक्चुअल में आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बना सकते हैं, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर नहीं है एक्सपर्ट, देन कीप इट सीक्रेट। इसलिए इस बात को समझो कि मैं आपको बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सीधे मत बनो, अच्छे आपको बनना है बनो। लेकिन मैंने जो आपको बताया, ये करने में कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको बुरा मानेंगे, लेकिन उसमें आपका ही फायदा है। आप हर बार ये सोचते हो कि यार उसे बुरा ना लग जाए, लगने तो जिसको बुरा लगता है। आप अपने बारे में सोचो कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। अगर आपको अंदर से लगता है कि ये सही है तो आप उसे ही करो, अगर आपको लगता है ये गलत है तो उसे मत करो। अगर आपको कोई पड़ोस वाला कहता है कि सामान लेकर के आओ, अगर आपको अंदर से लगता है कि मुझे नहीं लाना चाहिए या फिर मुझे अपने इस टाइम का यूज़ करना है, तो उन्हें मना कर दो। उन्हें बुरा लगेगा लेकिन आने वाले टाइम में वो कभी भी आपसे नहीं कहेंगे बहुत बन लिया अच्छा, अब हमें बुरा बनना है। बहुत कर ली दूसरों के मन की, अब हमें अपने मन की करना है। तो भला सबका करो लेकिन प्रारंभ खुद से करो।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर के आएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है, तो आपको पता ही होगा कि आपको क्या करना है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।